नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑटोमोबाइल ज्ञान के एक और फ्रेश वीडियो में, ऑटो अपडेट्स के आज के फ्रेश एपिसोड में। आइए देखते हैं कि आज मैं आपके लिए कौन कौन सी इंटरेस्टिंग न्यूज लेके आया हूँ। पहली न्यूज है यमहा की बाइक R15 के लिए। यमहा ने इसे लॉन्च कर दिया है ABS के साथ। ABS के साथ प्राइस में थोड़ा चेंज आया है। जो बेस वेरियंट था, पुराना वेरियंट, उसमें अब आपको 12,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे ABS की वजह से। उसके अलावा इस बाइक का एक न्यू कलर भी लॉन्च किया गया है, जिसे डार्क नाइट कलर का नाम दिया गया है। इन जनरल आप समझने के लिए बोल सकते हैं कि ये एक मैट ब्लैक टाइप का कलर है। तो अगर मैं आपको टोटल प्राइस बताऊं, जो पहले पुराना वेरिएंट था जिसमें ABS नहीं था, उसका प्राइस था 1.27 लाख एक्स शोरूम न्यू दिल्ली में। लेकिन जो न्यू वेरिएंट है जिसमें आपको ABS मिलेगा, उसका प्राइस है 1.39 लाख रुपीज, यानी कि पहले से 12,000 रुपए ज्यादा। और उसके अलावा अगर आपको चाहिए न्यू वाला कलर वेरिएंट जो डार्क नाइट कलर आया है, तो आपको देने पड़ेंगे 1.41 लाख रुपीज। ये सारे प्राइस एक्स शोरूम न्यू दिल्ली के लिए हैं। इस बाइक में यमाहा इंट्रोड्यूस किया है एक डुअल चैनल ABS को। इसके अलावा कोई भी मैकेनिकल चेंज नहीं किया गया इस बाइक में, जैसी थी वैसी ही है। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि यमाहा ने अनाउंस किया कि 21 जनवरी को एक नई बाइक लॉन्च करने वाले हैं। तो लोग गेस कर रहे थे कि हो सकता है इसी का ABS वेरियंट लॉन्च कर दिया जाए, लेकिन चूंकि ABS वेरियंट पहले ही आ गया, तो अब एक नई बाइक जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है यमाहा की तरफ से। देखते हैं 21 जनवरी को क्या होता है, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। अगली न्यूज है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। रॉयल एनफील्ड ने अपनी बाइक बुलेट 500 को ABS से लैस कर दिया है। प्राइस की बात करें तो इसमें 14,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पहले इसका जो एक्सोरूम प्राइस था 1.73 लाख रुपीज के लगभग था, और अब इसका एक्सोरूम प्राइस 1.87 लाख रुपीज हो गया है। तो अगर आपको पैसे बचाने हैं और आप रॉयल एनफील्ड बुलेट 500 के बारे में सोच रहे थे, तो भाग भाग के जाओ अपने नियरेस्ट डीलर के पास और ले लो पुराना वाला वेरियंट, क्योंकि आगे आने वाले 10-15 दिन में हो सकता है कि आपको पुराना वाला वेरिएंट ना मिले। यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं कि बाइक को लैस किया गया है डुअल चैनल ABS से, उसके अलावा कोई भी मैकेनिकल चेंज नहीं किया गया है। ये थी अपडेट टू व्हीलर्स के लिए। अब आते हैं फोर व्हीलर्स के अपडेट पे। महिंद्रा ने अपनी अपकमिंग कॉम्पैक्ट SUV जिसका नाम है XUV300, उसकी बुकिंग स्टार्ट कर दी है। इसका प्राइस रिवील नहीं किया गया है, प्राइस जनवरी के एंड तक या फरवरी के इनिशियल तक रिवील हो जाएगा। लेकिन अभी आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग वेटिंग पीरियड से बचना चाहते हैं। तो कुछ की फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको मिलते हैं 7 एयरबैग्स, जो कि अपने आप में एक यूनिक बात है, क्योंकि किसी भी 5 सीटर SUV में अभी तक 7 एयरबैग्स नहीं मिले हैं। उसके अलावा आपके लिए 2 इंजन वेरियंट्स में अवेलेबल होगी, 1.5 लीटर डीजल इंजन और 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन। अब आगे आगे देखते हैं कि क्या क्या चीजें निकल के आती हैं, मैं आपको अपडेट्स देता रहूंगा इसके बारे में। अगली न्यूज़ भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की तरफ से। मारुति ने अपनी कार्स के दाम बढ़ा दिए हैं। कितने बढ़ाए हैं? 10,000 रुपए तक। क्लियर नहीं है कि किस मॉडल पे 10,000 बढ़ाया गया है, किस मॉडल पे 5,000 6,000 बढ़े हैं। इन्होंने कहा है कि मैक्सिमम 10,000 रुपए तक हमने अपनी कार्स के प्राइस बढ़ाए गए हैं। इसमें भी एक कार है जो न्यू अर्टिगा है, अर्टिगा का न्यू जनरेशन जो अभी जल्दी में लॉन्च हुआ था, उस पे कोई भी चेंज नहीं किया गया है, उसका प्राइस सेम टू सेम रखा गया है। बाकी ऑल्टो से लेके एस क्रॉस तक जितने भी मॉडल हैं, सबका प्राइस बढ़ाया गया है। जो बढ़ा हुआ प्राइस है वो 10 जनवरी से अप्लाई होता है, यानी कि आज से अप्लाई हो चुका है। तो आपको अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। नई कार लेने जा रहे हैं, मारुति की कार लेने के बारे में सोच रहे थे, तो आपको बढ़ा हुआ प्राइस पे करना ही पड़ेगा। दोस्तों, यही थी आज के लिए कुछ अपडेट्स जो मुझे लगी कि आपको देनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई न्यूज मिस कर दी, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर कर देना इस वीडियो को। अगर आप ऑटोमोबाइल की दुनिया से जुड़ी इसी तरह के अपडेट्स चाहते हैं और ऑटोमोबाइल की दुनिया से जुड़ी और भी जानकारियां चाहते हैं, तो ऑटोमोबाइल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको मिले हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले। वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जब भी गाड़ी चलाएं स्पीड लिमिट पर रहें, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, खुद भी सेफ रहें और दूसरों को भी सेफ रखें। धन्यवाद।